हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Realme C51 में वाइब्रेट ऑन टच सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग आना है। सो फ्रेंड्स सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको हैप्टिक एंड टून्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम हैप्टिक्स का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा वाइब्रेट ऑन टच सेटिंग। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे और फ्रेंड्स आप अपनी फोन की स्क्रीन पर टच करेंगे तो फ्रेंड्स आपका फोन वाइब्रेट होगा। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे तो सो फ्रेंड्स मैं सेटिंग को इनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को इनेबल करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं सेटिंग को इनेबल कर देता हूँ। इसको इनेबल करने के बाद आप अपनी फोन की स्क्रीन पर टच करेंगे तो फ्रेंड्स आपका फोन वाइब्रेट होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप Realme C51 में वाइब्रेट ऑन टच सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।